नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 480 रन बनाए हैं। इसके जवाब में भारत की बल्लेबाजी जारी है। आज मुकाबले का चौथा दिन है तो हम क्या कुछ आपको अपडेट देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बता दूं कि विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर लिया है। उन्होंने 241 गेंदों में अपने 100 रन पूरे किए हैं। विराट अब तक अपनी पारी में 5 चौके लगा चुके हैं। भारत का स्कोर 400 रन के करीब पहुँच चुका है। विराट कोहली ने टेस्ट मैच में 28वां शतक लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह उनका 75वां शतक है। जी हाँ, और वही 393 रन के स्कोर पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। सिरिकर भारत ने के रूप में भारत का 5वां विकेट गिरा है। भारत को नाथन लायन के पीटर्स हैडस्कम के हाथों कैच कराया। भारत ने 88 गेंद में 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 44 रन बनाए हैं। जी हाँ, उन्होंने विराट कोहली के साथ अर्धशतकीय पारी भी जड़ा है। और यही बात करूँ कि लंबे इस अगर शुरुआत की बात करें तो लंच के बाद भारत का शुरुआत काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है एक कहे तो काबिले तारीफ होगा, लेकिन ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, वही मैं बात करूँ कि जिस तरह से भारतीय टीम के लिए एक अहम रोल निभा रहे हैं किंग कोहली। जी हाँ, जिस तरह से किंग कोहली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए और जिस तरह से हमें और स्पिनर से दिखा जा रहा है जैसे रविंद्र जडेजा, एक काबिले तारीफ है। जी हाँ, वही मैं बात करूं कि भारतीय टीम का जो ये मैच रहेगा क्या कुछ जीतेगी या नहीं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राय दे, अपना राय दे। फिर मिलते हैं, जय हिंद।